हम इसकी ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हमारे हैं इनको मुसलसल तरीके से हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों में ज़दोकोब किया जाता है, मारपीट किया जाता है, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करे और प्राइम मिनिस्टर्स के पास ये मसला उठाए। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ के अपने आप को तन्हा समझते हैं और अलग थलग समझते हैं, वो ज़िद जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। इस चीज़ को रोकना चाहिए और उन स्टेटों को भी लिखना चाहे, मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहिबा को जाना चाहे उन स्टेट्स के वजीर आला के पास, ताकि उनके साथ ये मुद्दा उठाएं और इस चीज़ को एक ही बार ख़त्म किया जाना चाहिए और हमारे बच्चों को सिक्योरिटी देनी चाहिए बाहर। जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब ये जो सिलसिला रुक नहीं पा रहा है, मतलब कि जब से भी वहाँ पे मतलब कश्मीर स्टूडेंट्स को हर रोज़ वहाँ पे तंग किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे भी इनकी सरकार है, कि इनको कौन से एग्जाम उठाने चाहिए जिनसे कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी मिल जाए। देखियो, एक तो उन कॉलेजों में सिक्योरिटी ज़रूरी देनी चाहिए जहाँ पे ऐसी चीज़ें पेश आई, और दूसरा ये है कि यहाँ के गवर्नमेंट को इसमें ज़बरदस्त ठोस इकदाम उठाने चाहिए और वज़ीर आज़म को चाहिए इसमें इंटरवीन करना। ऐसे ये हालात नहीं रुक सकते हैं और ये दिन ब दिन ये मसले बढ़ते जा रहे हैं।